फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एफोरिज्म नंबर फर्स्ट। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। तो एफोरिज्म फर्स्ट में हमें क्या एक्सप्लेन किया है, मिशन ऑफ फिजिशियन। तो फिजिशियन क्या होता है हम पहले वो देख लें। फिजिशियन मीन्स वन स्किल्ड इन द यूज ऑफ फिजिक्स और आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज डॉक्टर। देन हमें एक्सप्लेन किया है कि फिजिशियन का मिशन क्या होता है। तो मिशन मतलब अभियान। द पर्पज फॉर विच बर्न, फिजिशियन इज नॉट ओनली प्रोफेशनल बींग बट ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन वन हुज हार्ट एंड माइंड बोथ वुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। देन उसके बाद हमें क्या दिया है, हाई एंड ओनली फिजिशियन हैज टू मेन रोल, टू क्योर डिसीज एंड टू प्रिजर्व हेल्थ। तो हेल्थ को भी प्रिजर्व करना है और डिसीज को भी क्योर करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज बाय द नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। देन उसके बाद हम देखेंगे सिक। सिक मतलब क्या होता है कि डिसीज पर्सन एज अ होल। डॉक्टर हनुमान सर क्या कहते हैं कि जब पर्सन सिक होता है तो पर्सन डिसीज एज अ होल कंसिडर करना है। हमें पेशेंट को एज अ होल क्योर करना है, नॉट ओनली द डिसीज। तो सिकनेस मतलब डिसीज और सिक मतलब डिसीज पर्सन एज अ होल। तो एलोपैथिक मेथड में अगर स्प्लीनोमेगली हुआ, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, तो वो मानते हैं कि पहले स्प्लीनोमेगली हुआ और उसके बाद पर्सन सिक हुआ। तो होम्योपैथी में क्या मानते हैं कि पर्सन पहले सिक हुआ उसके बाद ही उसको स्प्लीनोमेगली हुआ। कौन सा भी डिसीज पहले पर्सन क्या होगा, सिक होगा, उसके बाद उसे डिसीज होगा। और होम्योपैथी में हम कैसा क्योर करते हैं, डिसीज पर्सन एज अ होल क्योर करते हैं, नॉट ओनली द डिसीज। देन उसके बाद हम देखेंगे क्योर, रिमूवल ऑफ द परसेप्टाइल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, एनिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। अगर हमने डिसीज को क्योर किया सम टाइम के लिए, उसे सिम्टम्स को क्योर किया, सिर्फ हमने सिम्टम्स को क्योर किया, बाद में वो फिर से वो डिसीज हुआ, तो उसे हम परफेक्टली क्योर करेंगे क्या, नहीं। तो सप्रेशन और स्पेलेशन ऑफ द डिसीज सिम्टम्स इज नॉट मीन्स क्योर। तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हियरिंग ने ऑर्डर डिसअपीयरेंस ऑफ द सिम्टम एज फॉलो। तो सिम्टम कैसे जाने चाहिए, तो हम उसे क्योर करेंगे। तो सिम्टम्स अबव डाउनवर्ड जाने चाहिए, विद इन आउटवर्ड जाने चाहिए और इन रिवर्स ऑर्डर जाने चाहिए। जैसे कि पांच सिम्टम है, पहले एक सिम्टम आया, देन दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो सबसे पहले कौन सा सिम्टम जाने चाहिए, पांचवा वाला जो सिम्टम है वो पहले जाना चाहिए। इसे हम फुल्ली क्योर करेंगे, इन रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए और अबव डाउनवर्ड एंड विद इन आउटवर्ड जाना चाहिए। तो थैंक यू।